जिला पंचायत देवास के वार्ड क्रमांक 4 से जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी रूप सिंह धाकड़ को क्षेत्रवासियों का भारी समर्थन मिल रहा है। रूप सिंह धाकड़ अपने सरल स्वभाव के कारण क्षेत्र में एक अलग छवि रखते हैं। ग्राम खटाबा से रूप सिंह ने बरोठा एक वाहनों से जनसंपर्क किया, जिसमें 100 से अधिक वाहन उनके साथ शामिल हुए। हर गांव में उनका स्वागत हुआ। क्षेत्रवासियों ने उनके बारे में कहा कि रूप सिंह धाकड़ ने सरपंच रहते हुए कई विकास कार्य किए हैं, ऐसे में उनकी जीत सुनिश्चित है। वहीं अपने चुनाव चिन्ह पतंग के साथ मैदान में उतरे रूप सिंह ने कहा कि जनता का मुझे भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, मैंने सरपंच रहते हुए भी कई विकास कार्य किए। वहीं उनके बारे में युवा और बुजुर्ग का कहना है कि शत प्रतिशत दिन ही जीत होगी। ये हाट पिपलिया क्षेत्र में है सर, हम और खटाम्बा के रहने वाले रेवास प्रत्याशी आपके जी रूप सिंह धाकड़। किस प्रकार का जन समर्थन मिल रहा है इनको? इनके तरफ से सब बहुत अच्छा संपर्क है, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, बहुत अच्छा समर्थन है। पहले सरपंच रह चुके हैं, अच्छा काम किया है और हम इन्हीं के साथ हैं। जो अन्य प्रत्याशी उनसे कैसा मुकाबला मानते हैं आप? इनसे एक नंबर। चुनौती मिल रही है किस बारे में? कोई चुनौती नहीं, कोई चुनौती नहीं। मतलब लगता है आपको भारी मतों से जीतेंगे? भारी मतों से जीतना है और जिताना भी है हम सभी को, जनता को। ठीक है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम धीरज सिंह है, खटाम्बा का रहने वाला हूँ। अभी मैदान में है जी सर, इस प्रकार का उनको माहौल मिल रहा है, क्या जन समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा है सर। क्या लगता है जीतेंगे वो? फुल बाल, फुल उम्मीद है। कितना प्रतिशत जीतने मानते हैं आप? 90। और क्या विकास कार्य करे हैं उन्हें पहले भी? बहुत करा था, मेरा खुद का कुआ कुदवा है, पहले भी सरपंच रह चुके हैं। युवा साथ है उनके? युवा फुल साथ है, सब साथ है, हम सब साथ, सब सारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? हेमराज सिंह। कहाँ के निवासी हैं आप? खटाम्बा। कौन सा क्षेत्र है ये? क्षेत्र कहे तो ने खटाम्बा गाँव। और आप कैसे, कौन से प्रत्याशी खड़े हुए हैं अभी? हमारा इससे तो कि रूप सिंह जी जो एक धाकड़। क्या लगता है कितना जन समर्थन मिल रहा है उनको? बहुत है, तो कि भारी से भारी मत मिल रहा। तो जीतने के बाद लगता है आपको विकास कार्य करेंगे? बहुत बहुत करेगा विकास। आपके बीच कब से रह रहे हो? मैं तो यही बहुत दिन के बचपन से हमारे, अरे तो बचपन का शांति है हमारा, सेवा कार्य करते आ रहे हैं। हाँ, साथ में रहते हैं गाँव में, बहुत विकास किया गाँव में, तो एक पंचायत में बहुत विकास किया। क्या युवाओं से लेके बुजुर्ग का आशीर्वाद मिल रहा है इनको? हाँ, सबको मिल रहा है, छोटा से बड़ा तक। ठीक है, क्या नाम है आपका? हाँ, हेमर सिंह नागर। किस प्रकार का उत्साह है और किसको आप समर्थन देते हैं? मैं पहली बार मतदान कर रहा हूँ, इसके लिए मैं बहुत ही उत्साहित हूँ। और मैं अपने वार्ड क्रमांक 4 के हाट पिपलिया क्षेत्र के हमारे आदरणीय अंकल जी रूप सिंह जी धाकड़ को वोट डालता हूँ। और उनका काफ़ी मिलनसार स्वभाव रहा है और वह युवाओं के लिए काफ़ी प्रेरणादायी भी रहे हैं। और उनके सरपंच काल में भी काफ़ी युवाओं के लिए रोजगार किया है उन्होंने, जैसे जांडियर कंपनी हो गई, महिंद्रा कंपनी हो गई, और अपनी ये सत्तू फैक्ट्री भी उन्हीं के काल में आई है। इसीलिए वह गांव के विकास करते हैं, इसीलिए वह वार्ड क्रमांक 4 को भी पूर्णता रोजगार और डेवलप करेंगे। जीत का कितना प्रतिशत मानते हैं? पूर्णता समर्थन मिल रहा है, पतंग उड़ेगी वार्ड क्रमांक 4 में तो। अच्छा, जैसे कि अभी बुजुर्गों का भी यहाँ पे आशीर्वाद बताया, तो कितने युवा साथ होंगे आपको क्या लगता है? पूरे गाँव के युवा सपोर्ट कर रहे हैं? जी जी, युवाओं का पूर्णता समर्थन इनको मिल रहा है। और जो जीतते हैं तो विकास करेंगे क्या? जी जी बिल्कुल, जैसा इन्होंने अपने सरपंच काल में विकास किया वैसे ही यह वार्ड क्रमांक 4 में भी अपना पूर्णता विकास करेंगे। ठीक है, आपका नाम? नाम मेरा बंटी गुजर है, धन्यवाद। कौन सा क्षेत्र है ये? जिला पंचायत का वार्ड क्रमांक 4 है। कौन प्रत्याशी है आपके यहाँ से? हमारे यहाँ ग्राम खटाम्बा से रूप सिंह धाकड़ प्रत्याशी है। अच्छा, जो अन्य प्रत्याशी है उनसे किस तरह की छवि अलग है यहाँ पर? देखिए, चुनाव कोई सा भी हो, चुनाव लपासे से नहीं जीता जाता, और आपने अभी परिणाम देखे, जीते वही लोग हैं जो लोगों के काम आते हैं और जो काम करते हैं। अच्छा, ये पहले सरपंच भी रहे, क्या विकास कार्य रहे इनके? लगता है आपको बढ़िया रहे विकास कार्य? सरपंच की अगर जानकारी लेनी है तो यहाँ के खटाम्बा के हर बच्चे से ले सकते हो आप, छोटा क्या क्या काम हुए। जांडियर फैक्ट्री भी उनके कार्यकाल में ही है, मिता इंडस्ट्रीज यही है। इसके बाद में इनके जो बड़े भाई साहब थे सालकराम जी नागर, उनकी एक अलग छवि थी, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, सभी लोगों से जुड़े हुए थे और सभी के काम आते थे। और उन्हीं के पद चिन्हों पर आज उनके दोनों भाई चल रहे हैं, हुनर सिंह नागर, रूप सिंह नागर, और उनके भाई कैलाश नागर। क्या लगता है कितना जन समर्थन मिल रहा है इनको अभी गाँव? अभी जो जन समर्थन जो मैंने देखा है और जो मैंने लोगों से मिला हूँ, मतलब इस 4 नंबर वार्ड से ये जीत जो होगी ऐतिहासिक जीत होगी। आपका? मेरा नाम भगत सिंह सिसोदिया। आप कौन से वार्ड से और क्या परिचय? मैं जिला पंचायत के 4 नंबर वार्ड से खड़ा हुआ हूँ और क्षेत्र में विकास अच्छा करना है, इस कार्यवन से खड़ा हुआ मैं। नाम है रूप सिंह धाकड़, जिला पंचायत वार्ड नंबर 4।
अभी आप जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या आपके विकास के मुद्दे हैं? जनता के विकास मुद्दे की हमने खटामा में सरपंच रहते हुए जो कार्य किए थे 5 साल में वो हर गांव में करना चाहता हूं मैं। अगर आप चुनाव जीतते तो क्या पहली प्राथमिकता रहेगी? सबसे पहले प्राथमिकता की हर गाँव को स्वच्छता बनाना, शौचालय निर्माण टोटल करवाना है, हर गाँव में नाले अलग निर्माण करवाना है। अच्छा, यहाँ पर मुक्ति धाम की क्या व्यवस्था है? मुक्ति धाम अभी नहीं, हमारे गांव में यहाँ पर नहीं था, उसमें क्या समस्या चली, तो प्राइवेट में जगह हम था उसके मार्ग कर रहे हैं। तो आपके अलावा कितने प्रत्याशी हैं? मेरे अलावा हम टोटल 4 प्रत्याशी है। किस प्रकार की चुनौती मिल रही है आपको? चुनौती जनता का इतने प्यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है मुझे तो। आज क्या कार्यक्रम है आपको? आज वाहन रैली निकल रही है। कहाँ से जाएगी ये? टोंक कला से बरोटा। पतंग जिंदाबाद। क्या बोलते हैं, आपकी जीत सुनिश्चित मान? जीत सुनिश्चित मान रहा हूँ मैं। क्या अपील करना चाहते हैं आप जनता? अपील करना चाहता हूँ कि जैसे आप अधिक से अधिक मतों से मुझे जिताइए। क्या आपका चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह पतंग है मेरा।